सुल्तानपुर में आज सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा करते हुए पहुंचे। माना जा रहा है कि टिकट की जांच करने के लिए इन्होंने ये शुरुआत की है। तो वही सुल्तानपुर टिकट की होड़ में लगे सपा नेताओं ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। इसोली विधानसभा से ताल ठोकने के लिए बेताब है मिर्जा इशराक बेग ने गंजे हेड़ी में एक भव्य स्वागत सभा का आयोजन किया, जिसमें लगभग इशराक बेग अपने लाखों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जनता परिवर्तन चाहती है, हम प्रदेश में पार्टी के साथ लगे हैं। यदि इस कार्यकर्ता को अखिलेश जी टिकट देते हैं तो रिकॉर्ड दमों से जीत कर हम यह सीट अखिलेश जी के हाथों में देंगे। यह इशराक बेग इसोली का लाल है। हम हर प्रकार से अपने समाजवादी भाइयों के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सुल्तानपुर से राजीव जायसवाल की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। देखा जा रहा है कि आज यहाँ पर आप एक अच्छा सा काफिला तैयार किए हैं, आप इस काफिले के साथ किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी आ रहे हैं जी, एक कार्यक्रम के तहत जी, जो उनका प्रदेश दौरा चल रहा है उसी सिलसिले में यहाँ भी आ रहे हैं जी। उन्हीं का हम लोग इंतजार करें, उन्हीं का स्वागत के लिए जी। जैसे कि इसका नाम है किसान नौजवान पटेल यात्रा, इसका क्या आशय है, इससे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका आशय ये है, आज का जो किसान है जी, हमारे प्रदेश का, पूरे देश का किसान बहुत परेशान है जी। उनकी समस्याओं को लेकर निकले हुए हैं, नौजवानों का जो नौजवान जो बेरोजगारी है उनकी समस्याओं को लेकर निकले हुए हैं। समाज के हर वर्ग में जो भी समस्या है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, हेल्थ रिलेटेड जो काम है, एजुकेशन रिलेटेड, सबके लिए ये यात्रा निकली हुई है। जैसा कि देखा जा रहा है कि MIM जो कि ओबीसी साहब की पार्टी है, जिसे कहा जाता है भाजपा की बी पार्टी भी कहा जाता है, वो मुस्लिमों को लुभाने में लगी है, वो किस हद तक अखिलेश यादव को हानि पहुंचाएगी? देखिए, अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, समाजवादी का सवाल है, कोई नुकसान ओबीसी से नहीं पहुंचने वाला है। उसका मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखिए, ओबीसी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं जी, चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका साउथ में जो भी इलाके रहे हों, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, जो सेकुलर पार्टियां उन्हें खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कम्युनल पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आप बंगाल चले जाइए, ममता कम्युनल पार्टियां से लड़ रही हैं, उनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं। आप आ जाइए बिहार में, बिहार लालू यादव कम्युनल पार्टियों से लड़ रहे हैं, RSS बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़े हैं, इन्हीं की वजह से सरकार नहीं बन पाई। ये आम जनमानस में ये बातें पूरी तरह से फैली हुई है कि इन्हीं की वजह से सरकार बिहार में नहीं बन पाई, और इसका वजह रही है कि बंगाल में मुसलमानों को नकार दिया है। क्या आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है? आप देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बी पार्टी है कि नहीं है। जब ये कम्युनल पार्टियों के साथ हैं, तो कोई एक प्रदेश ऐसा सूबा बता दीजिए जहाँ पे ये सिंपलर कम्युनल पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बता दीजिए। अगर जो है आपको विधानसभा इसौली से टिकट ना दे करके अखिलेश यादव ने किसी और विधानसभा से आपको टिकट देते हैं, क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरा मोटिव नहीं है, अखिलेश जी का निर्देश था, आदेश था, आप करिए, आप क्षेत्र में काम कीजिए, हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर उनका आदेश होगा तो हम लड़ेंगे, अगर आदेश नहीं होगा, उनका जो आदेश निर्देश पार्टी का होगा, मेरा मोटिव वो है काम करने का, समाजवादी के लिए, लोगों के लिए और समाज के लिए। जी सर, लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपने